आईटीसी मिशन सुनहरा कल उन्नत कृषि विकास कार्यक्रम गांधी गोल्डन ट्रस्ट और कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर के संयुक्त प्रयास से किसान चौपाल का आयोजन किया गया। यह आयोजन तारापुर अनुमंडल के असरगंज प्रखंड स्थित चोर गांव पुरुषोत्तमपुर में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईएटीसी के डॉक्टर रिजवी और कृषि विज्ञान केंद्र के इंजीनियर अशोक कुमार एवं वैज्ञानिक विनोद कुमार ने किसानों को तकनीक के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने उन्नत कृषि के लिए कई टिप्स किसानों को बताया। चौपाल के बाद सिंचाई में जल संरक्षण के लिए किसान के खेत पर जाकर सिंचाई में जल संरक्षण हेतु जल मापन विधि बकेट मेथड से किया गया और किसानों को इस संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया। इस कार्यक्रम में सिंचाई विभाग के अभियंता अशोक कुमार ने भी किसानों को जल संरक्षण के बारे में कई पहलुओं के संबंध में विस्तार से बताया। गेहूं प्राप्त हुआ इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इससे पानी की उत्पादकता हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से मापित सिंचाई जल के द्वारा जो है हम लोग विभिन्न उन्नत सिंचाई के तकनीकियों के द्वारा, जैसे इसमें वाटर इरिगेशन से सिंचाई देते हैं लोग, लेकिन अब जो है स्प्रिंकलर से भी होता है, मिनी स्प्रिंकलर से भी होता है, तो इसमें कितना पानी का बचत है ये हम लोग कैलकुलेट करने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप के सिद्धांत पे हम लोग जो है प्रति लीटर पानी या प्रति एमएम पानी से कितना हम गेहूँ का उत्पादन करते हैं, मुख्य उद्देश्य यही चीज़ होता है। नापित पानी जब खेत में हम अप्लाई करेंगे और विभिन्न विधियों का उपयोग करेंगे तो पानी जो है कम पानी में हम अधिक खेत का सिंचाई कर अधिक उत्पादकता और उत्पादन अच्छी गुणवत्ता के साथ प्राप्त करेंगे। उधर श्री श्री 108 राधा गोविंद जी ठाकुर बारी न्यास समिति तारापुर के द्वारा 48 घंटे का रामधुन यज्ञ समाप्ति के उपरांत शांति पूजन के लिए सत्यनारायण पूजा का आयोजन किया गया। इस पूजा में समिति के सभी सदस्यों के अलावे सभी वर्गों के श्रद्धालुओं की खास भागीदारी रही। पूजा को लेकर लोगों में श्रद्धा का माहौल बना रहा। उधर पुलवामा हमले में शहीद हुए देशभक्त की याद में तारापुर के थाना परिसर में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बजरंग दल के जिला संयोजक गौतम कुशवाहा के नेतृत्व में पुलवामा हमले के शहीद हुए जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देने को लेकर तारापुर थाना परिसर में एक सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, भारत माता की जयकारा लगाए गए। इस मौके पर श्री कुशवाहा ने संबोधित करते हुए कहा कि जिस देश भक्तों ने देश की रक्षा में अपनी जान कुर्बान की है उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। हम सभी उन्हें सम्मान के साथ ही नई पीढ़ी को देशभक्ति का रसापान कराते रहेंगे। उधर राजस्थान के उपखंड बाली के कोट बालियान में इच्छापूर्ण हनुमान जी जागरण धूमधाम से मनाया गया। उधर गायघाट विधानसभा क्षेत्र के बंद्रा में आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम में स्थानीय आरजेडी विधायक निरंजन राय ने प्रखंड के रतवारा पंचायत का आज सघन भ्रमण किया। इस दौरान लोगों की समस्याओं को उन्होंने खुद से सुना समझा और उसके निदान के लिए लोगों को आश्वस्त किया। ज्यादातर ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने को लेकर काफी परेशानी आ रही है। लोगों ने राशन कार्ड नहीं मिलने, समय पर राशन नहीं मिलने समेत कई तरह की शिकायतें की। कुछ लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर अपनी शिकायतें की तो कई लोगों ने आवास योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलने की शिकायत की। लोगों ने आरोप यह भी लगाया कि बिना बिचौलिए के उन्हें कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कृषि से जुड़ा हुआ भी कई शिकायतें लोगों ने की। शिकायतों के मद्देनजर विधायक निरंजन राय ने लोगों को आश्वस्त कराया कि अब समस्याओं का समाधान होगा। प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के खिलाफ वे उच्चाधिकारियों से मिलेंगे। लगातार चेतावनी के बावजूद बंद्रा प्रखंड के कुछ अधिकारी और कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है, यह अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ उनका लड़ाई शुरू होगा। श्री राय ने कहा कि सभी समस्याओं का निदान प्राथमिकता के स्तर पर तय किया जाएगा, भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस बात को आज फिर से दोहराया। इस कार्यक्रम के दौरान घर घर जाकर उन्होंने लोगों की हालचाल जाने, उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनके सहयोग पर वे खरा उतरने का हर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने रणनीति बनाई है और हर कीमत पर जन समस्या का समाधान हो इस दिशा में पहल करेंगे। विधायक निरंजन राय ने ए टू जेड न्यूज लाइव से इस दौरान बातचीत की।
और कहा कि रतवारा घाट पर बूढ़ी गंडक नदी में पुल निर्माण का मांग वर्षों पुराना है, लोगों ने इस मांग को फिर से दोहराया है, पुल निर्माण की मांग को वे सदन में रखेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का पुल का निर्माण बूढ़ी गंडक नदी के रतवारा घाट पर अनिवार्य रूप से हो, इसके लिए वे संघर्ष करेंगे और आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की जन समस्याओं को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल है, कई वर्षों पुरानी समस्या है, ज्यादातर मामले बंदरा प्रखंड प्रशासन एवं कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, इनकी लापरवाही लगातार सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि बंदरा में आपूर्ति विभाग के प्रभार को दूसरे पदाधिकारी को दिलाने की भी मांग वरीय अधिकारी से की जाएगी। चुनाव के बाद एक दिन एक पंचायत आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज हम लोग बंदरा प्रखंड के रतवारा पंचायत में घूम रहे हैं, यहाँ लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या से रूबरू हो रहे हैं और यथासंभव देख रहे हैं कि जितना जल्दी जैसे काम का निपटारा है उसको नोट कर रहे हैं और प्राथमिकता के आधार पर जो यहाँ की समस्या है उसको दूर करने का काम निश्चित रूप से कर रहे हैं। सर, ये गायघाट विधानसभा क्षेत्र के संपूर्ण पंचायतों में आपका प्रोग्राम सर चलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी 7-8 पंचायत हमारा हो गया है, कल भी कटरा के बिरई दक्षिणी पंचायत में घूम रहे थे, आज बंदरा में है, इस तरह से लगातार हमारा कार्यक्रम पंचायत बार लगा। उधर मोतिहारी जिले के रक्सौल में सत्ताधारी दल से ताल्लुक रखने वाले भू माफियाओं और दबंगों की जबरदस्त हनक सामने आई है, जिसको लेकर गांव में दहशत का माहौल है और नाराजगी का भी माहौल बढ़ने लगा है। सत्ता की हनक दमक भू माफियाओं के सर पर सवार था और उन लोगों ने बेखौफ होकर लाचार एवं बेबस एक महिला के पूजा सामग्री की दुकान पर कब्जा करने के नियत से सामानों को दुकान से बाहर फेंक दिया। इस तरह की शिकायत मिली है, आजीविका का साधन को लूटते देख महिला ने जब विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की भी घटना हुई। महिला जब थाना में न्याय के लिए पहुंची तो दबंगों ने थाने में पुलिस के सामने ही महिला की जबरन पिटाई कर दी। हालांकि बाद में पुलिस ने इस मामले की प्राथमिकी दर्ज की है और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये विधायक जो है कुछ दिन पहले महीना पहले इन लोग को बुलाकर सम्मानित किया मुझे में, और सम्मानित करने के बाद में दलाल लोग का अड्डा बनाकर रखा है, रंगदारी उठवा रहा है और दुकान लुटवा रहा है। हम लोग यहाँ का आम जनता है, इसके विरोध में अगर उन लोग का अरेस्टिंग नहीं होगा तो हम लोग कोई हद तक जा सकते हैं। उधर बिहार सरकार के लघु जल संसाधन एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने अंबेडकर आवासीय बालिका छात्रावास मुसरी घरारी जिला समस्तीपुर में छात्राओं के लिए किए गए व्यवस्था की स्कूल प्रबंधन के द्वारा जानकारी लिया और छात्राओं से मुलाकात की, बेहतर व्यवस्था की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर बंदरा प्रखंड के पियर थाना परिसर में आज सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें थानाध्यक्ष शिवनाथ सिंह ने स्पष्ट लहजे में कहा कि पूजा के दौरान और मूर्ति विसर्जन के दौरान अब की बार डीजे का प्रयोग पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। यदि नियम को तोड़कर किसी ने डीजे बजाने का परिपाटी अपनाया तो उस पूजा समिति के आयोजक के खिलाफ सीधे तौर पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, डीजे बाजे को भी जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर पूजा के अगले दिन विसर्जन की प्रक्रिया देर रात तक समाप्त हो जानी चाहिए। इस दिशा में सामाजिक प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया और पुलिस प्रशासन को सहयोग करने का अपील भी किया गया। थानाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी कीमत पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, हर कीमत पर कार्रवाई होगी। उधर नेपाल में वामपंथी नेता के द्वारा पशुपतिनाथ के बारे में गलत टिप्पणी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। जनकपुर धाम नेपाल में 10 दिसंबर को काठमांडू में गलत टिप्पणी को लेकर विश्व हिंदू परिषद नेपाल धनुषा जिला के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद नेपाल धनुषा जिला के अध्यक्ष संतोष कुमार शाह की अध्यक्षता में विरोध जुलूस निकाले गए। हिंदू विरोधी पुलवामा हमले को लेकर गायघाट के आरजेडी विधायक निरंजन राय ने
प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पुलवामा में शहीद हुए जवानों को यूं ही नहीं गवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, माकूल जवाब देने की जरूरत है। उन्होंने शहीद हुए जवानों के प्रति श्रद्धा भी अर्पित की। पुलवामा हमले में जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार के लोगों को और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अपना व्यक्त करते हैं और उनके परिवार के लोग को साहस और हौसला दें ईश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं।